चलिए गाइस, अभी आप लोगों को एक गांव ले जा रहे हैं जहां पर बेंबू यूनिट का मशीन लगा हुआ है बहुत सारा। ये आप पासनबेड़ा ठेठे टांगन में है। यहां पर आप लोगों का कुछ साल से काम चल रहा था, लेकिन काम रुका हुआ था, तो आप लोग सोचे कि स्टार्ट करवाते हैं, तो उसको आज स्टार्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, अभी हम पासनबेड़ा जाने वाले हैं जहां पर मशीन है। यहां पर आज मीटिंग करवाएंगे, ग्राम सभा करवाएंगे, जिसमें हम लोग जो यूनिट बना है उसको हम लोग एक एजेंसी को देने जा रहे हैं जो काम करेगा इस बैम्बू से रिलेटेड। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से वो लोग काम करता है। आर्टिजन्स काफ़ी ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग करना ज़रूरी है वो लोग को, ताकि प्रोडक्ट में क्वालिटी आ जाए। प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगा तो गाइस पता ही है आप लोग, सेलिंग बढ़िया रहेगा। क्वालिटी विदाउट क्वालिटी सेलिंग इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई सेल क्वालिटी हैज टू बी मेंटेन। तो भाई आप चलिए, आप लोग दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ। अभी हम लोग एक बैठक करेंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से वहाँ पर लोग बैठक करके मोटिवेट करेंगे। आज समझिए मोटिवेशनल एक मीटिंग है, अवेयरनेस कैंपेन मान लीजिए, या आपका मोटिवेशनल कैंपेन मान लीजिए, अवेयरनेस प्रोग्राम मान लीजिए, आप समझिए इस टाइप का वहाँ पर है। तो चलिए आज बड़ा चलते हैं। ये रास्ता जाता है, काफ़ी टर्निंग है इस रास्ता में। टर्निंग में अगर बाइक चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं इस एरिया में, और कोई यंग जो खासकर है वो स्पीड में रहते हैं तो गिरते जरूर है और एक्सीडेंट भी होता है। चलिए आप लोगों को ले जा रहे हैं, मेरा बाइक राइडिंग बहुत साल के बाद इतना लॉन्ग जर्नी हो रहा है, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, इस कारण से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था, कार में ही घूमने लगा था। तो अब आज मैं पहली बार इतना दूर निकला हूँ बाइक से। चलिए आप लोग दिखाते हैं। काफ़ी मज़ेदार एरिया है ये, आपका भी आएगा। शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल को, और बताएं कि किस तरह से मैं आगे आप लोगों को वीडियो दिखाता रहूं। तो गाइस, आप लोगों को मज़ा तो आ रहा होगा, लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है। मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। बाइक चलाने काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं किस तरह से। डर तो काफ़ी लग रहा है, लेकिन क्या बोलूं, चलिए पहुंच ही गए लगभग। ये आपको लोकेशन बता देते हैं कौन सा एरिया पड़ता है। ये आपका है केसई रोड रंगारी, केसई रोड पड़ता है। और ये आपका कोनमेंजरा सानो टोली एरिया है, पानी बोला जाता है टर्निंग को। यहाँ से 1.6 किलोमीटर एरिया इसका डिस्टेंस बढ़ेगा। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ देख लीजिए, ये रोड जो देख रहे हैं मेरे द्वारा ही किस एरिया में डेवलप हुआ है, तो मानते हैं क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन समझिए ये रोड कच्चा रोड था, जो मेरे आने के बाद यूनिट में जो बैम्बू का यूनिट तैयार हो रहा है वहाँ के कारण ये रोड बन गया। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये रोड डेवलप कर दिया गया है, पहले तो ये रोड कच्चा था। चलिए अब काफ़ी बढ़िया हो चुका है बाइक राइडिंग के लिए भी, बरसात में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो आज देखेंगे किस तरह से हम लोग जाएंगे। भाई लोग स्कूल है,
बाइक चलाने, ऐसा लगता है कि डिसबैलेंस हो जाएंगे यार। ये कहाँ पर ये लोग मीटिंग कर रहा है, अभी देखते हैं। अगर मेरी आवाज़ आप लोग अच्छे से आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आ रही है तो गाइस सब से वीडियो को देख के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये काफ़ी समझिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है प्रोडक्ट जो बनेगा बैम्बू का, छोटा मोटा प्रोडक्ट बॉक्स वगैरह आपका टोटल डेकोरेशन और आइटम बनेगा, वो सब इसी से होता है। गाइस चलिए आना पड़ा, कार से आते तो टाइम लग जाता है, तो जब बाइक सही आ जाता हूँ ठीक है। अभी आप देखते हैं कितना मुझे आया है कितना में नहीं आया, ये तो पता ही चलेगा जाने के बाद। बैठा यहाँ पर करेगा, अभी ठंडा है तो थोड़ा सा तो दिक्कत है। तो बाइक चलिए यूनिट पहुँच गए तो अभी यहाँ पर देखिएगा, ये लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम ट्रांसपोर्ट से, आ गए। कितना कोई आया है, आ रहा है। ठंडा बढ़ गया इसीलिए तो मोटा मोटा पॉइंट आ गया। आएगा वो लोग जो भी है एजेंसी वाला कुछ दिन में।